वेलकम टू माय न्यू वीडियो जी। यहाँ पे एक कंप्लेन आई है तार टूटी हुई है फाइबर की ना, ये देखें ये मेरे पाँव के नीचे है और एक तार वो पड़ी हुई है। ये सप्लाइसिंग मशीन है, इसको मैं अभी ज्वाइंट लगाने लगा हूँ। ये वाला जो कटर होता है ना, ये होता है जी शीत कटर, ठीक है। इसके अंदर केबल रख के ना खींचते हैं तो ये ऊपर से छिल जाती है। केबल को छीलने के लिए ये यूज़ होता है कटर। इससे अभी मैंने इसको छीला और फिर इसके जो ट्यूब नीचे से निकली है, यहाँ पे देखें ये प्रेशर आया हुआ है, ये प्रेशर, तो यहाँ से हम इसको काटेंगे, ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रिपर है, स्ट्रिपर के थ्रू मैं इसको काटूँगा। यहाँ से मैंने काट लिया, हम इसको साफ करेंगे। ये स्वैप है, स्वैप के थ्रू हम इसको करेंगे साफ। इस तार का हम जॉइंट लगाएंगे इस फाइबर के साथ, हमने इसको जॉइंट करना है सप्लाइज मशीन के थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक जॉइंट मैंने लगा दिया। ये देखें मैंने स्लीव डाली है, फाइबर और फाइबर ब्लू को ब्लू से जॉइंट लगाया है, फिर स्लीव लगा के हीट की है, ठीक है। ये जॉइंट लग गया, अब हम इस तार को वहाँ लेके जाएंगे, उस तार के साथ हमने जॉइंट लगाना है, ठीक है। उसका सिरा काट के ना उसके साथ अब मैं जॉइंट लगाने लगा हूँ दूसरी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जॉइंट मैंने लगा दी है। अब सीन ये है कि बोतल नहीं मिली ना मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इस पट्टी को इस तार के ऊपर रख के ना टेपे मार दूँगा ताकि ये ऐसे हवा के ज़रिए डिस्टर्ब ना हो, ताकि सिग्नल ड्रॉप ना हो। वक्त ही जुगाड़ ही कर रहा हूँ, ये करना तो है, तो इसका जुगाड़ करते हैं। वैसे होता ही है कि जॉइंट बॉक्स होता है, जॉइंट बॉक्स लगता है, वो हमारे पास है नहीं है, तो हम इसका ना जुगाड़ करेंगे, पट्टी लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जुगाड़ हमने लगा लिया, कहाँ से चलेगा, नंबर चालू है। फ्री होते होते जो है ना टाइम, पता है क्या हो गया, टाइम हो गया है तीन हो गए हैं फ्री होते होते। वो कैसे, ज्वाइंट लगा के फ्री हुआ हूँ, मतलब नेट शेट चल गया, ठीक है। बंदे का दरख्त, उन्होंने साथ वाले हम साए ना उनके दरख्त काटा है, जो इन्होंने दरख्त काटा है वो फाइबर पर गिरा है, तार पर आ गया, फिर तार टूट गई, फिर मुझे जो है ना वो 40 मिनट मुझे लगता है मजीद लग गए, तीन हो गए हैं फ्री होते होते। अभी एक पावर का नंबर भी रहता है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसको भी ठीक करना है, पता नहीं अब इजाज़त मिलती या नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं आ गया हूँ घर, आज जल्दी आ गया हूँ, तकरीबन 4:30 हो गए हैं। वैसे तो छुट्टी का टाइम 4 बजे है, लेकिन जब हेल्प करनी हो ना किसी की तो उसमें टाइम लग जाता है, किसी की मतलब फैट शिफ्टिंग है या किसी की इवनिंग में कोई कंप्लेन है, अगर हेल्प पर भेज देना फिर उसमें टाइम लगता है, इसलिए हम लेट हो जाते हैं। वैसे तो छुट्टी का टाइम 4 बजे है, तो बड़ी ओकी रेड लाइट क्लियर की, उसके बाद एक और रेड लाइट थी वो क्लियर की, एक पावर की कंप्लेन थी वो भी की अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक पावर की कंप्लेन रहेगी है, वो कस्टमर अलाउ नहीं कर रहा, कॉल ही नहीं उठा रहा, घर में क्योंकि लेडीज़ होती हैं, वो जब तक खुद ना हो ना घर में, सब मतलब जो ऑफिस गए होते हैं ना, तो वो खुद ना हो तो वो अलाउ नहीं करते। अक्सर लेडीज़ अलाउ करती हैं, लेकिन वो उस वक्त जब मतलब कोई मूडी कस्टमर होता है, कोई किसान कस्टमर होता है, तो बड़ा चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके अलाउ करते हैं। लेकिन पावर की कंप्लेन होती है उसमें ये इशू देखने को मिलते हैं, लेकिन जो दूसरी कंप्लेंस होती है ना, जब किसी की रेड लाइट आ गई, किसी की फाइबर टूट गई, किसी की नेट नहीं चाह रहा, उसमें तो वो अलाउ करते ही करते हैं, बेशक लेडीज़ हों या ना हों, और क्योंकि उन्हें इंटरनेट ठीक कराना होता है। जो पावर की कंप्लेन होती है उसमें इंटरनेट चल रहा होता है, लेकिन स्लो इंटरनेट चल रहा होता है, पावर ज़्यादा होती है, उसको हमने कम करना होता है, ये हमारी ड्यूटी में शामिल होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पावर की कंप्लेन क्लियर हो गई है, बड़ी खुशी है मुझे इस बात की। अभी एक रहेगी है, वो कस्टमर अलाउ नहीं कर रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, वो जब तक खुद घर नहीं होंगे ना तो वो अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, अभी मैं घर आ गया हूँ जल्दी, अभी मैं खाना खाऊंगा जल्दी से, और मैंने जाना है मामू के घर सोलर लगाने। एक प्लेट है 280 वाट की, चार्ज कंट्रोलर है इस एम्पेयर का, और एक कार इन्वर्टर मैंने लिया था 2000 वाट का, तो ये हमने कुछ इंस्टॉलेशन करनी है। रोटरी स्विच है, एक ब्रेकर है, और लाइट प्लग है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, सामान शमान सारा मेरे पास है। ये देखें, ये रोटरी है, ये रोटरी स्विच है, ये लाइट प्लग है, और इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना मेरे पास मौजूद हैं। तभी मैं जल्दी से खाना खाता हूँ और फिर हम चलते हैं मामू की तरफ ये सब कुछ इंस्टॉल करने। इसके अलावा हमने भी घर में अपना सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर 5kV एक इन्वर्टर लगा हुआ है, नीचे ये ब्रेकर्स वगैरह और रोटरी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रोटरी स्विच मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। ये इंशाल्लाह इस पर फिर किसी दिन वीडियो बनाऊँगा, छत पे जाकर आपको पैनल भी दिखाता हूँ। ये लगे हुए जी पैनल, देखें अभी साया है इस पर, लेकिन फिर भी नीचे जो है वो कूलर चल रहा है। एक पैनल कम है, 5 पैनल हैं, वोल्टेज बना रहे हैं 248-244, उस पर जो है वो चल रहा है नीचे इन्वर्टर।